हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आउटडोर में फिर से शूट कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है बिकॉज समर्स आर फाइनली हियर। तो अभी जो फिलहाल मेरी प्लानिंग है, सारे आउटडोर ब्लॉग शूट करूंगा, बट आई विल गिव यू क्रिस्प एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इज वेल अलॉन्ग विद ब्लॉग्स। कनाडा शो भी करूंगा, इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, जो एक्चुअल रियलिटी है, जो करंट सिचुएशन चल रही है, जैसे कि मेरे चैनल पर पहले आता था, वो सारा कुछ दोबारा रिपीट होने वाला है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सबसे पहले रिक्वेस्ट है मेरी, ब्लॉग शुरू भी नहीं हुआ है बट या सब्सक्राइब कर लो चैनल पर, देखो सारे वीडियोज, देखो अभी वीडियोज आने भी वाले हैं। बट अभी आज का जो प्लान, आज फ्राइडे है कनाडा में एंड देख सकते हो वेदर कितना बढ़िया। मैं ड्राइवर पे बैठा हूँ अभी गाड़ी में। तो आई वॉज प्लानिंग टू डू सम बेसिक ग्रोसरीज, बट या आज हम लोग वॉलमार्ट नहीं जाएंगे, नोफिल्स नहीं जाएंगे, कॉस्को नहीं जाएंगे, फ्रेशको नहीं जाएंगे, एक नए आउटलेट पर जाएंगे, दैट इज सब्जी मंडी। देसी ग्रोसरी आउटलेट है गाइस, घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर जाके एक्सप्लोर करते हैं सारे प्रोडक्ट्स, क्या क्या अवेलेबल है, कौन सी ग्रोसरी मिलती है, देसी खाने का जो जुगाड़ होता है वो सारा सामान मिलता है भी या नहीं, बिकॉज मैंने पंजाबी दोस्तों को देखा सारे वहीं पर जाते हैं। तो लेट्स गो एंड चेक आउट द प्राइसेस, कंपेयर करेंगे वॉलमार्ट वगैरह के साथ जो कि पॉपुलर आउटलेट्स हैं, एंड एट द एंड आई विल टेल यू इज गोइंग टू सब्जी मंडी वर्थ इट। जिन जिन को नहीं पता, आई ड्राइव अ 2012 होंडा सिविक गाइस, वन ऑफ द बेस्ट कार्स यू कैन ड्राइव एज अ स्टूडेंट हियर इन कनाडा। ये गाड़ियां ना मार्केट में इसमें मिलती नहीं है आजकल, आप खोजने भी जाओगे ना डीलर्स के पास भी अवेलेबल नहीं होता, बिकॉज कोई बेचना ही नहीं चाहता। दिस होंडा सिविक एंड अराउंड 2012-2014 जो कैमरी या करोला होते हैं ना, बहुत हाई प्राइस पे हाइप करके रखते हैं लोग, बिकॉज इशूज नहीं आते, मेंटेनेंस का खर्चा कुछ नहीं आता या फिर मिलती नहीं है, ठीक है। तो I'm lucky that I got this car for around like $5,000 with winter tires, summer tires and alloy wheels bhi hai, sara kuch setup karke deep clean ke sath mujhe mila tha, no issues at all guys, new battery, to badhiya deal mil gayi। Anyway, again if you're driving a car in Canada, yahan pe koi bande aapko dikhenge nahi, but still we have to stop because stop sign likha hua hai, theek hai। So all way ka matlab hai ki jo gaadi sabse pehle rukegi wahi gaadi sabse aage jayegi, because wahan pe bhi ek stop hai, wahan pe bhi ek stop hai, theek hai। Whoever stops first will go first, that's the rule, and sab follow bhi karte hain bhai। ऑल राइट, सब्जी मंडी पहुंच गए गाइस, अभी बाहर से एक बार व्यू दिखा देता हूं, फिर डायरेक्ट कार्ट लेते हैं और अंदर चलते हैं। कार्ट लेने के लिए भाई सिक्का चाहिए, ये लॉक्ड है, मेरे पास सिक्के हैं नहीं, तो कोई नहीं अंदर जाके जुगाड़ करना पड़ेगा। एनीवे, बैड लक। सब्जी मंडी में घुसते ही मुझे मिठाई का सेक्शन सबसे पहले दिखा था, इट्स ह्यूज, लिटरली इंडियन स्टोर है, बहुत ही बढ़िया, सारे सामान आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्रॉम चाउमिन जो इंडिया वाला 3 मिनट वाला नूडल्स होता है, 2 मिनट वाला 2.99, पार्ले जी तक भी अवेलेबल है भाई, चलो ये तो वॉलमार्ट में ही मिल जाता है। वेजिटेबल ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एनी थिंग यू वॉन्ट इन ऑयल कैटेगरी आपको सब कुछ मिल जाएगा, वेरी चीप, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल तो भाई एकदम तगड़ा। अंडे, अंडे इतने वैरायटी के अंडे मैंने पहली बार देखा था, ऑर्गेनिक जो ब्राउन एग्स होते हैं ना उसका भी जो सबसे प्रीमियम कैटेगरी है वो मुझे दिखा था, दैट इज़ फ्रेश देसी एग्स गाइस। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बट इसमें ओमेगा 3 भर भर के होता है, दिस इज़ व्हाट आई यूजुअली टेक, ठीक है। स्पेशल ग्रे रिज 30 लार्ज एग्स, बाकी आपको ड्रिंक्स देखने को मिल जाएंगी, मस्टर्ड ऑयल का 5 लीटर का कैन, प्राइस आप 24.99 चेक कर सकते हो भाई। द बेस्ट सेक्शन, रसमलाई, गुलाब जामुन, बर्फी, क्या नहीं है, ठीक है। अब बस देखते जाओ, मैं म्यूजिक ऑन कर देता हूँ बैकग्राउंड में। कनाडा में पनीर इतना महंगा होता है, फर्स्ट टाइम पनीर में मैंने डिस्काउंट देखा है भाई, इतना खुशी मिला ना। नानक पनीर जो पिंक कलर का आपको दिखा, मैं फिर से दिखाऊंगा, ये नानक ग्रीन भी बहुत अच्छा है, मलाई पनीर है, बहुत सॉफ्ट, पिंक वाला थोड़ा सा फर्म होता है, बट दिस इज़ बिगर क्वान्टिटी गाइस, पैसा भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा ऑफकोर्स, बट जो छोटा वाला पनीर पहले दिखा है उसमें डिस्काउंट चल रहा था, बहुत मस्त है,
ट्राई आउट द पनीर इन सब्जी मंडी, बहुत वैरायटी आपको मिल जाएगा, अलॉन्ग विथ खीर मिल जाएगा आपको, उसमें से आपको क्या बोलते हैं तोफू मिल जाएगा, साइड में सारा कुछ पड़ा हुआ है, सारा कुछ मैंने वीडियो में दिखा रखा है, ये देखो खोआ खीर जो बोलते हैं, तोफू है यहाँ पे, सॉफ्ट फॉर्म मीडियम। इस सेक्शन में सारे आपको टॉटियाज, नान, फ्रोजन रोटी वगैरह, ब्रेड सब कुछ मिल जाएगा। टॉटियाज जिनको पता नहीं, ये रैप होता है जो आप सब वगैरह में रैप खाते हो ना, वो रोटी से नहीं बनता, वो टॉटिया से बनता है। टॉटिया को ग्रिल करके उसमें सारे कुछ मेयो सैलड वगैरह डाल के यू कैन मेक योर ओन चिकन रैप, वेज रैप, पनीर रैप, वॉट एवर यू वॉन्ट। दीज आर नान गाइस, फ्रोजन नहीं है, पैक्ड है। कुलचा पीटा है इसमें, कुलचा पीटा सेम थिंग डिफरेंट कंपनी। नान पिज्जा का जो बेस होता है वो भी मिल जाएगा। कमिंग टू फ्रूट्स, द बेस्ट थिंग भाई, क्वालिटी देखो, इंडिया वाले भी मिल जाएंगे, हाइब्रिड वाले भी मिल जाएंगे, कनाडा वाले भी मिल जाएंगे आपको। चेक द प्राइसेस, यू जस्ट ऑलवेज बीन अ टाइड ऑफ अस, आई बीन लेड बैक, या आई डोंट वांट टू स्किप स्टेप्स, यू नो दैट, सो इफ यू विद इट देन से या। आपको यहाँ पे खीरा दिखाता हूँ, ये है जुकीनी गाइस, 1.99 पर एलबी पर पाउंड। यहाँ पे टाइप्स देखो, एक पैकेज्ड मिलता है आपको बिल्कुल लाइक मिनी जुकीनीस काइंड ऑफ, खीरा भी बोल सकते हो जो भी, टेस्ट काइंड ऑफ सिमिलर ही होता है, जुकीनी का आप सब्जी बना सकते हो, एंड दिस इज नॉर्मल क्यूकम्बर गाइस, ठीक है, ये इंडिया वाले हैं। सब्जी मंडी में मैंने जो नोटिस किया, राइस का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू फ्रेशको एंड वॉलमार्ट, ठीक है, वहाँ पे सस्ता मिल जाता है, बट अगेन दिस इज़ प्रीमियम बासमती राइस। चावल का प्राइस जो होता है बेसिकली कनाडा में एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, ये सारे इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए टैक्स वगैरह मिला के, GST मिला के थोड़ा सा महंगा हो ही जाता है, आप कहीं से भी लो। अवॉइड राइस इफ़ यू कैन, बट इफ़ यू आर लाइक ट्रेडिशनल राइस ईटर देन गो फॉर इट। Can you stick through with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want. Like it. I know that you like it. You like it. Yeah, you like it. I know that you like it. You like it. To my surprise, yahan pe सारे इंडिया के ऑयल, हेयर ऑयल, बॉडी ऑयल, इवन मूव विक्स तक डाबर के प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, जो कि यूजुअली आमला तेल जैसे भी हो गया ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बाकी आउटलेट्स में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने इतना 2.5 साल कनाडा में रहा हूँ, ग्रोसरी किया हूँ, आई नेवर हैव सीन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अंटिल एंड अनलेस दैट वाज इन लाइक प्रॉपर इंडियन स्टोर, ठीक है। सब्जी मंडी के 2-3 आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे, यू कैन ईजिली गेट दीज काइंड ऑफ इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड यूज़ इट, ठीक है, जिसको अगर ट्रेडिशनल चीज़ें यूज़ करना पसंद है या फिर उनको बाकी चीज़ें सूट नहीं करती, दे वॉन्ट इंडियन प्रोडक्ट्स ओनली फॉर द स्किन, फॉर द हेयर, फॉर द फेस, फॉर द बॉडी, देन डू कम टू सब्जी मंडी गाइस, हाईली रिकमेंडेड। बिलीव नहीं करोगे, सब्जी मंडी में घूमते घूमते, ग्रोसरी करते करते, प्रोडक्ट्स देखते देखते मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैं कनाडा में हूँ, इंडिया में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। सारे हिंदी में लिखा हुआ है, तमिल में लिखा हुआ है, भाई बेसन के लड्डू के प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं यहाँ पे। सब्जी मंडी में मुझे मसाले के बहुत ज़्यादा वैरायटीज दिखे, इवन ड्राई चिली जो होता है उसके भी लाइक डार्क रेड था, लाइट रेड था, इवन चिली पाउडर में एक होता है पेपरिका पाउडर, एक होता है लाइक नॉर्मल जो रियल चिली पाउडर्स होते हैं, ये देखो बहुत ही डार्क था ये चीज़, मुझे लगा ये बहुत ही ज़्यादा तीखा होगा, चिली पाउडर, रेशम पत्ती जो भी है, ठीक है, जहाँ से ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो बहुत तरह के आपको मसाले मिल जाएगा, फ्रॉम ऑथेंटिक इंडियन टू लाइक स्लाइटली लेस स्ट्रॉन्ग मसालास, लेस स्पाइसी मसालास,
दिस एंटायर सेक्शन इज़ फॉर इंटरनेशनल मसालाज गाइस, मेनली इंडियन, श्रीलंकन, पाकिस्तानी चीज़ आपको सारा मिल जाएगा. एंड इवन टू माई सरप्राइज आई गॉट द बिरयानी मसाला विच आई रियली लव्ड. ओ माई गॉड भाई, इमोशन जाग गई थी. मसाले का सेक्शन कम्प्लीट करते हैं हम वहाँ पे आ गए जहाँ पे मसाले को हमें ऐड करना पड़ता है बनाते टाइम. तो मीट का सेक्शन आप देख सकते हो, ये भी अडोनिस वराइच मीट जैसा ही है. आपको खुले में से मीट मिलेगा कटिंग किया हुआ, आप जितना पाउंड जितना केजी लेना चाहते हो आपको वो मिल जाएगा. एंड इवन मैरिनेटेड चिकन लेग्स, चिकन ड्रमस्टिक, चिकन ब्रेस्ट, ठीक है, चिकन कोफ्ता बनाना है आपको, कुछ भी बनाना है, मीट बॉल्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. थोड़ा सा महंगा है, डू नॉट बाई मीट फ्रॉम सब्जी मंडी, आई डो नॉट रिकमेंड इट. इफ़ यू वॉन्ट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, गो टू अडोनिस विच इज़ साउथ अरेबिया स्टोर. आपको इंस्टाग्राम में उसके रील्स भी दिख जाएंगे, मैंने लाइव प्रूफ दिखाया कि कितने का होता है अडोनिस में. $10 का आपको 1300 ग्राम का चिकन कीमा मिलता है, इट्स वेरी चीप. टाइम फॉर सम ऑनेस्ट रिव्यू. सब्जी मंडी पहली बार गया मैं, ठीक ठाक लगा. इंडियन चीज़ें बहुत सारी थी गाइज, लाइक आई मिस इंडिया, मिस माई फूड. कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई मैंने 2 साल 2.5 साल में कभी देखा नहीं था वॉलमार्ट नोफिल्स में. देसी स्टोर है अपना घर के पास है. आई वुड प्रेफर गोइंग टू सब्जी मंडी फॉर फ्यू थिंग्स, बट हियर इज द कैच. Overall, the store is kind of expensive because सारे चीज़ें, mostly everything is imported from India. Export import के लिए taxes वगैरह बहुत कुछ होता है तो price बढ़ जाता है. That is the same case in सब्जी मंडी as well. देसी खाना आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं जो कि आप miss करोगे. सारा कुछ available है, in stock है. एंड लोकेशंस मैंने चेक किया, सब्जी मंडी के लोकेशंस कम है एज़ कम्पेयर टू वॉलमार्ट, नो फ्रिल्स, फ्रेश को, कॉस्को, ठीक है. इनके आउटलेट्स बहुत जगह पे हैं. एंड अगर आपके घर के पास कोई सब्जी मंडी नहीं है, डू नॉट ट्रैवल, कम्यूट बाई बस एंड कम टू सब्जी मंडी टू डू योर एंटायर ग्रोसरी ऑफ द वीक और ग्रोसरी ऑफ द मंथ, इट्स नॉट वर्थ इट. बिकॉज ओवरऑल जो महंगा, मतलब ओवरऑल जो बजट होगा ना आपका, वो एक्सीड कर जाएगा बिकॉज ईच प्रोडक्ट इज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू वॉलमार्ट एंड अदर स्टोर्स. लेट मी टेल यू अ कूल थिंग, ये जो जगह पे अभी मैं हूँ ना, बहुत ही मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट लोकेशंस है. मैं आता रहता हूँ शाम को, यूजुअली बैठता हूँ. अभी तो चलो ग्रोसरी करने के लिए, दिखाने के लिए भी मैं गया था सब्जी मंडी, अभी दोपहर के 2:30-3 बज रहे हैं. बट अगेन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस. दूर दूर तक कोई नहीं दिखा गया, पार्किंग लॉट है एक. एंड ये जो पीछे देख रहे हो ना, पीछे ये मेरा सिमेट्री है, मेरा सिमेट्री नहीं, सॉरी. सम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट यू हैव नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द लाइफ. लाइफ के बाद अब कुछ आपका गहना, पैसा, गाड़ी, बंगला नहीं ले जा सकते यार. सब कुछ छोड़ के मिट्टी के नीचे दफन ही होना है, ठीक है. या तो जल जाओगे, जल के राख हो जाओगे, ऐश बन जाओगे, वो भी पानी में बहा दिया जाएगा, या तो कब्रिस्तान में मिट्टी के अंदर पड़े रहोगे ब्रो. तो कुछ लेके नहीं जा सकते. एंड आई रियलाइज दीज थिंग्स कि जब मैं ऐसे अकेले में बैठा होता हूँ ना, तब शांति ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में. खुशियाँ, शांति, पीस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट. एंड वो जितने कम उम्र से आप अपने आप में लाओगे ना, वो उतना बढ़िया है. आगे जाके हमको रियलाइज़ होता है, रिग्रेट होता है कि हमने इसके साथ गंदा किया. वी हैव ग्रोन अप विथ हेट, जेलेसी, एंगर, फ़ायदा नहीं है हमेशा. कि भगवान ना खुद के जेब से देता है, किसी और से छीन के नहीं देगा. तो अगर कोई बंदा आपसे आगे जा रहा है रेस में, वो अच्छा कुछ कर, उसके लिए तालियां बजाओ, उसके लिए खुश हो, बिकॉज भगवान ने उसको अपने जेब से दिया, आपसे कुछ छीन के नहीं दिया है, ठीक है. अगर आप आगे जाओगे उससे, तो उसका कुछ नहीं छीन रहा, उसका जब टाइम आएगा भगवान उसको भी देगा. मे बी ही नीड्स टू वर्क हार्डर, मे बी ही इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कुछ भी हो सकता है. यू डोंट नो अदर पीपल्स स्टोरी. सो दैट्स वाई बी इन योर ओन रेस, स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड पीस, एंड एक अच्छे ह्यूमन, एक अच्छा सिटीजन बनो. एंड जो इंसानियत का बेसिक पर्पस है ना, कि सबको हेल्प करो, सबका ध्यान रखो, चीज़ों को, लोगों की दिक्कत को अपना मानो, हेल्प करो, हेल्पिंग हैंड बनो, ठीक है. पैसा है तो फिलैंथ्रोफी करो, दान करो, भूखे बच्चों को खिलाओ, कुछ कर्म अच्छा करोगे, वही यार इंसानियत का मेन पर्पस होता है. दैट इज़ दीज थिंग्स इज़ वॉट आई रियलाइज व्हेन आई सिट अलोन इन फ्रंट ऑफ अ सेमेटरी और अ बर्निंग हार्ट एंड इंप्लीमेंट दीज थिंग्स इन माई लाइफ टू ग्रो एज अ बेटर ह्यूमन बींग, एज अ बेटर पर्सन एंड सर्व द कम्युनिटी, सर्व दिस मदर अर्थ. बट अभी वीडियो के एंड में जाते जाते रास्ते में ऑन वे मैं एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि मैंने यूट्यूब में अभी तक शेयर नहीं की है, ठीक है. वन ऑफ माई पोजेशन, वन ऑफ द थिंग्स आई बॉट. गेस कर सकते हो इस मोमेंट पर, वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दो क्या गेस है आपका. बट या वेट टिल द एंड टू सी दिस. ऑलराइट, इट्स टाइम फॉर द सरप्राइज. Volkswagen Jetta, white, my first white car. This is the fourth car I bought in Canada, guys. ठीक है, इसके बारे में मैंने रिवील कुछ नहीं किया था YouTube में. मैं बैक कैम से पूरा रिव्यू देता हूँ, एक छोटा सा रिव्यू. बट प्राइस कहाँ से लिया, कब लिया, कुछ नहीं बताना, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं. That's the car, guys. Volkswagen Jetta, white. ठीक है, बताना गाड़ी कैसी है. ठीक है, अभी चाबी है नहीं मेरे पास, भाई के घर में चाबी है, भाई का घर है वहाँ पे, तो वो जब आएगा तब दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में. बट या दैट्स द इंटीरियर, ऑल डीप क्लीन्ड, ऑल वाइट कार. ठीक है, 2.5 लीटर अंडर द हुड है. आई ऑलवेज वॉन्टेड 2.5 विद LED हेडलैम्प्स. जब चाबी आएगी चला के दिखाऊंगा बाद में. एंड दैट्स द ब्लैक सिविक आई ऑलवेज ओन्ड एंड आई विल नेवर एवर रिप्लेस दैट कार. ये साइड में है, जस्ट ऐसे ही समझ आ रहा है, तो मन था ले लिया. बाकी अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे. प्राइस
कौन सी मॉडल है, सारे कुछ गेस कर सकते हो, बट या आई वॉन्ट अप्रूव इट। मैं जब व्लॉग बनाऊंगा तब सारे कुछ दिखाऊंगा। दैट्स द बैक साइड, डैश कैम भी लगा हुआ है, प्लेट्स वगैरह सब कुछ लगाना बाकी अभी, बट या दैट्स प्रीटी मच इट। और एक चीज़, कनाडा में गाड़ी खरीदते ही गाड़ी चलाने मत लग जाना, बिकॉज इलीगल होता है। अगर किसी दोस्त के पास गाड़ी है उसका प्लेट लगा के भी मत चलाना, इट्स इलीगल, बिकॉज उसका जो प्लेट का इंश्योरेंस होगा ना वो उसके गाड़ी के लिए वैलिड है। जब अगर आपका पुल ओवर हो गया कहीं पर भी, पुलिस आके प्लेट स्कैन करती है, देन फॉर एन एग्जाम्पल मैंने सिविक का प्लेट बॉक्स वगैरह में लगाया हुआ है, एंड अगर मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ मेरा पुल ओवर होता है, तो जब प्लेट स्कैन होती है ना तो वहाँ पर सिविक की सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी, गाड़ी का पिक्चर शो होगा, जेटा के साथ वो कहीं से भी रिलेवेंट नहीं है। तो पुलिस वाला मुझे पूछेगा कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस कहाँ है, एंड आई डोंट हैव एनी इंश्योरेंस फॉर दैट कार। इंश्योरेंस के लिए मुझे सारा कुछ कॉल करके उस गाड़ी को मेरे इंश्योरेंस के अंडर लिस्ट करा के सारा कुछ करना पड़ेगा। मेरा जो मंथली कोट होगा इंश्योरेंस का वो भी $50, $25, $70 से इंक्रीज होगा, डिपेंडिंग ऑन द कार, द मॉडल, द मेक, वॉट एवर इट इज़। तो अगर पार्किंग इंश्योरेंस में भी है तब भी रिस्क मत लेना, बिकॉज पार्किंग इंश्योरेंस इज जस्ट व्हेन योर कार इज पार्क्ड इन योर ड्राइववे, ठीक है, उसको निकाल के चला नहीं सकते। दैट इज़ वाई डो नॉट ड्राइव अ कार अनटिल एंड अनलेस यू हैव रजिस्टर्ड इट एंड ट्रांसफर्ड द ओनरशिप ऑन योर ओन नेम एंड हैज डन द सेफ्टी एंड ऑल्सो टेकन द पॉलिसी नंबर फ्रॉम एनी इंश्योरेंस प्रोवाइडर। वो सारे कुछ हो जाएगा फिर बिंदास चलाओ, ठीक है। किसी और के प्लेट से गाड़ी मत चलाना, टिकट आ जाएगी, डीमेरिट पॉइंट्स आ जाएंगे, खराब हो जाएगा पूरा लाइसेंस का सिस्टम। कमेंट डाउन व्हाट व्लॉग्स यू नीड, बिकॉज बहुत दिन बाद आउटडोर शूट कर रहा हूँ, आई स्टिल नीड मोर आइडियाज कि आपको क्या चाहिए, आपके पेन पॉइंट्स क्या है, सो दैट आई नो माई ऑडियंस एंड आई विल डिलीवर द एग्जैक्ट सेम वीडियोज विच यू वॉन्ट। मैं हर कमेंट को रीड करूंगा, जो सबसे रेलिवेंट वीडियो होगा उसके बारे में मैं ब्लॉग बना दूंगा, आउटडोर ही होगा, ठीक है। तो कमेंट डाउन, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इंस्टा में भी फॉलो कर लो, बिकॉज दीज काइंड ऑफ अपडेट्स यू डू नॉट नो कि मैं क्या खरीद रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। इंस्टाग्राम में रील्स भी मैं डेली अपलोड करता हूँ, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कनाडा के बारे में एंड यूजुअली एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट के बारे में भी डालता हूँ, एंड सम मोटिवेशन एंड लाइफ हैक्स एज वेल। सो डू फॉलो मी एवरीवेयर, बेसिकली लिंक्डइन में भी कर सकते हो, वहाँ पे मैं हायर भी कर रहा हूँ फॉर माई अदर कंपनी ब्रांड डैडी ऑफिशियल, वो भी कर सकते हो, लिंक्डइन का पिक्चर मैं अटैच कर दूंगा। बाकी दैट्स इट, टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।